मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने हेतु चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में कार्य कर रही केंद्रीय एजेंसियों व प्रदेश प्रशासन के सदस्यों एवं श्रमिकों से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग एवं नागर विमानन राज्य मंत्री श्री वी के सिंह एवं अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। राजधानी देहरादून के घंटाघर स्थित MDDA परिसर में गेमिंग जोन के उद्घाटन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह पहुंचे। उन्होंने गेमिंग जोन का उद्घाटन करने के साथ ही वहां पर मौजूद कई सारे गेम्स का लुत्फ भी उठाया। मीडिया से मुखातिब होते हुए हरभजन सिंह ने कहा कि पहले जो सुविधाएं बड़े शहरों में मिला करती थीं, अब वही देहरादून वासियों को भी मिलेंगी। इस गेमिंग जोन के उद्घाटन से लोगों को अपने परिवार के साथ मनोरंजन के लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तुषार भाई का और स्मैश का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और मेरे मैचेस थे देहरादून में, वो ऐसा वो टाइम सेट हुआ कि जब इसकी ओपनिंग भी होनी है, मैं यहाँ पे हूँ, तो शायद ये मेरे हाथ से ही ओपनिंग लिखी हुई थी। तो मुबारकबाद तुषार भाई को, स्मैश सबको मुबारकबाद, और देहरादून को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ऐसा सेंटर हमने अक्सर देखा बड़े शहरों में होते हैं और वो फैसिलिटीज़ जो बड़े शहरों में मिलती हैं। अब देहरादून एक छोटा शहर है पर बहुत फेमस शहर है, और यहाँ पे एक ऐसा सेंटर अपने आप में ये एक ऐतिहासिक बात है, और यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जसपुर में अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आज बेहद परेशान नजर आ रहा है। ग्राम हाजिरो निवासी किसान राजेंद्र सिंह ग्राम भगवंतपुर MV एग्रो एंटरप्राइजेस से कैट खरीदा, जिसको खेत में डालते वक्त खाद में रेतीला व ककड़ी महसूस हुई, जिस पर किसान ने खाद विक्रेता से की सही गुणवत्ता बताना होने की बात कही। दुकानदार ने अन्नदाता किसान की एक भी नहीं सुनी, जिस पर किसान ने शिकायत भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष से की, जिस पर अमनप्रीत सिंह जसपुर तहसीलदार को सूचना दी, जिस पर तहसीलदार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कानूनगो व एग्रीकल्चर विभाग को मौके पर भेजा। तहसील प्रशासन एवं एग्रीकल्चर विभागीय अधिकारी के साथ दुकान पर पहुंचे। किसान की शिकायत पर दुकान पर रखे आज के कट्टों के सैंपलिंग नमूने भरकर एग्रीकल्चरल लैब को भेज दी गई। मैं परसों इनसे दो कट्टे NPK ले गया, एक कट्टा मैंने ओढ़ दिया गेहूँ के साथ, दूसरा डाला तो मुझे शक पड़ा कि पत्थर है। मैंने उसे धो के चेक किया पानी से, तो उसमें पत्थर निकला सर, जो इन्होंने 1650 रुपये का मुझे कट्टा एक दिया। किसान है, हमें फ़ोन द्वारा सूचना मिली है कि ये यहाँ से खाद ले गए थे NPK, तो उस खाद में पत्थर और रेता इन्होंने बताया कि इसमें निकला है, तो हमने मौके पर आकर यहाँ देखा है, उसे बाल्टी में डालकर उसमें वाकई 1 किलो खाद में लगभग मेरे हिसाब से 150 से 200 ग्राम बजरी और उसमें रेत निकली। किसानों द्वारा शिकायत की गई है कि इनके द्वारा जो NPK बेचा जा रहा है वो मानकों के अनुरूप नहीं है, तो उसके सैंपल लिए गए हैं। अभी जैसे ही जांच में उसके रिजल्ट आएंगे तो यथासंभव स्थिति में जैसे ही FPU के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित होगी जाएगी। उत्तराखंड के अंदर जल्द ही दूध संघ के जिला स्तर के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए प्रदेश स्तर से समितियां गठित कर दी गई हैं। यह जानकारी आज भाजपा के विधायक बिशन सिंह चौपाल एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्दी पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर दूध संघ के चुनाव किए जाएंगे, जिसके लिए 3 विधायकों की समिति गठित कर दी गई है, जो पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर सर्वे करने के बाद 3-3 नाम प्रदेश को भेजेंगे और जल्द ही चुनाव किए जाएंगे। हमारे दुग्ध संघ के जो चुनाव है वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी चल रही है, और उसमें काम भी आपके अध्यक्ष, तो जो हमारे समिति का अध्यक्ष होता है, समिति के अध्यक्ष तक चुनाव हो चुका है। अब जिला के दुग्ध संघ अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके लिए 3 समितियां पार्टी ने तय करके वो समितियां हम लोग बिल्कुल जनपद स्तर पर जाएंगे। वहाँ पर जो भी माननीय विधायक गण हैं और हमारे जिला संगठन के अध्यक्ष जी हैं, जो कॉपरेटिव क्षेत्र में जिनको जानकारी है, उनको बैठ के तय करेंगे, 3 नाम तय करेंगे, उसका पैनल बना के हम सीधे पार्टी को, प्रदेश को भेजेंगे। तब पार्टी तय करेगी भाई चुनाव कब कराना है, क्या करना है, डेट तय पार्टी ने तय करना है।
जोगीवाला चौकी इंचार्ज द्वारा एक किसान व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र बालिया के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जोगीवाला चौकी इंचार्ज ने हरेंद्र बालियान के साथ मारपीट की, जिसको लेकर किसान मोर्चा के लोग ट्रांसपोर्ट के कार्यकर्ता उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। आज किसान मोर्चा के लोगों ने DGP कार्यालय कूच करने का प्रयास किया, हालांकि पुलिस प्रशासन ने उनको पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। किसान मोर्चा के लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से जोगीवाला चौकी इंचार्ज ने हरेंद्र बालियान के साथ मारपीट व गाली गलौज की है, उसको देखते हुए उचित कार्रवाई की जाए और उक्त चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। कुछ नहीं थी, वो जो अधिकारी था वहाँ, जो चौकी इंचार्ज था, वो एक क्षेत्रवाद की मानसिकता तक ग्रस्त था। जैसे ही मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की थी, एक बिल्कुल जैनवल गाड़ी उन्होंने बंद की थी, मैंने इतना कहा था कि इस गाड़ी का माल उतरवाने के लिए आप किसी को भेज दो, गाड़ी आप अपने पास रख लो, किसी कांस्टेबल को भेज दो। उसने छूटते ही मेरे साथ अपशब्द किया। मैंने कहा भाई आप लोगों को तो सीनियर आदमी से बात करने की भी सभ्यता नहीं है, बस इतना कहना लो। और उसने एकदम मुझे एक दरोगा जी थे, एक सिपाही थे, उनसे पकड़वा के और जैसे गुंडे को पीटते हैं। मेरा इस पूरी कान पे ये पर्दा मेरा जो है पूरा बंद है, पूरा इस पूरे एरिया पे एक सांस कहना साले तू चौकी में आया कैसे, तू साले मेरी चौकी में आया कैसे, ये कहते हुए उसने मेरे को 15 मिनट तक पीटा, उसके साथ मारपीट की। हमारे प्रधानमंत्री भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पूरा राष्ट्र एक है, और यूपी के चीफ मिनिस्टर पौड़ी में जन्मे, वहाँ 2 बार चीफ मिनिस्टर हैं हमारे भाइयों ने, हमने सब ने वोट दी। और एक चौकी इंचार्ज वो पहाड़वाद प्लेनवाद की बात करता है, उसको सस्पेंड करवाने के लिए, और थाना इंचार्ज मोहन सिंह को उनको बर्खास्त करवाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। राजधानी देहरादून के प्रेम नगर स्थित निजी संस्थान में पढ़ रहे अक्षत शुक्ला का शव उसके कमरे में संदिग्ध हालत में गत मंगलवार को बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छात्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। अक्षत के माता पिता आज देहरादून पहुंचे, उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जहां एक तरफ पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। अक्षत के परिजनों ने पुलिस को एक तहरीर भी दी है, जिसमें 3 लड़कों को अक्षत पर आत्महत्या करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। 3 लड़कों में मुख्य आरोपी शामली के विधायक का पुत्र बताया जा रहा है। मेरे लड़के का नाम अक्षत शुक्ला, मेरा नाम कमल कृष्ण शुक्ला। क्या हुआ आपके साथ, आपके बेटे के साथ जो आप यहां तक आए हैं? मेरे बेटे को मतलब कि लटका हुआ पाया गया कमरे के अंदर। अब उसका कुछ दिन पहले झगड़ा अगला किसी से यहाँ कॉलेज में हुआ होगा, कुछ लड़कों से, 2-3 लड़के हैं। अब उसके बाद अब हम FIR लिखाना चाहते हैं कि उसको मानसिक प्रताड़ना के कारण उसने ऐसा काम किया है। अब हम चाहते हैं कि हमको पूरा इंसाफ। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 के माध्यम से कि प्रेम नगर क्षेत्र में एक लड़के द्वारा जो है सुसाइड कर लिया गया है। इस संबंध में मौके पर जब गए थे तो वहाँ पर जो मकान मालिक है और उनकी उपस्थिति में शव को उतारा गया और उसका पंचायतनामा किया गया। आज जो है उसका जो है पोस्टमार्टम कराया गया है।